और चुनाव के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा मंथन आज होने वाला है। दरअसल बीजेपी ने एक बैठक बुलाई और बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद होंगे, वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे और साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी शामिल होंगे और प्रदेश के जिलाध्यक्षों को भी इस बैठक के लिए बुलाया गया है। आगामी संगठन के अभियानों को लेकर चर्चा होगी, जनता के बीच जाने की रणनीति तय होगी और चुनाव के बाद बीजेपी का ये सबसे बड़ा मंथन आज होने वाला है। बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और जिलाध्यक्षों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे से। वासु, कितने बजे से ये मीटिंग शुरू होनी है बीजेपी की और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इसके संबंध में? बिल्कुल आशीष, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी की ये बैठक है। सुबह 11 बजे बीजेपी कार्यालय में ये पूरी बैठक शुरू होगी। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री दानंद शर्मा, सह संगठन महामंत्री समेत पूरे प्रदेश के जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं और जो महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं उनको भी इस पूरी बैठक में बुलाया गया है। बीते चुनावों में लगातार बीजेपी को जिस तरह से सफलता मिली है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव हो, अमरवाड़ा को उपचुनाव हो, इस सफलता को कैसे आगे बरकरार रखा, संगठन और सत्ता के बीच कैसे समन्वय स्थापित किया जाए और मध्यप्रदेश में चूंकि दो और सीटों पर उपचुनाव होने हैं, विजयपुर और बुधनी, और संभवतः यह भी माना जा रहा है कि बीना सीट पर भी जो है वो आने वाले समय में उपचुनाव होगा, तो तीन उपचुनाव और सामने खड़े हुए हैं, तो इनमें भी कैसे जीत का जो विजय रथ बीजेपी का लगातार चल रहा है उसे आगे बनाए रखा जाए और कैडर को आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूत किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर आज बीजेपी का महामंथन होगा, बैठक होगी और उन बूथों को लेकर भी चर्चा होगी जहां पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, उसको कैसे जीत में तब्दील किया जाए, ये भी बीजेपी मंथन करती हुई नजर आएगी और बेहतर रूप से जनता के बीच केंद्र और राज्य की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं उनको कैसे पहुंचाया जाए और बीजेपी के आने वाले समय में जो तमाम सारे राजनीतिक कार्यक्रम चलेंगे, संगठनात्मक कार्यक्रम चलेंगे, उनमें कार्यकर्ताओं की भूमिका कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि मध्यप्रदेश में अगर उपचुनाव को छोड़ दें तो बहुत लंबे समय तक फिलहाल कोई चुनाव नहीं होना है, ऐसे में सक्रियता बनाए रखना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है और उसी के तारतम्य में ये जो पूरी बैठक है वो आयोजित की जाएगी और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी इस पूरी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, प्रदेश का जो नेतृत्व है वो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आगामी कार्यक्रमों को लेकर, रूपरेखा को लेकर और प्लानिंग को लेकर तमाम पदाधिकारियों को देगा और जो फिर आने वाले समय में कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगे और बीजेपी के जो नए कार्यक्रम है वो बनकर तैयार होंगे। जी बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिएगा वासु और इस बैठक के बारे में और डिटेल्स आपसे आगे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर रायपुर से, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान चलाए जाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आज तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर बैठक होनी है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, पवन साय इस बैठक में शामिल होंगे, प्रकाश पासवान, मंत्री ओपी चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हर घर तिरंगा अभियान आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन हर घर पर तिरंगा हो ये सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर एक अभियान चला रही है और इस अभियान का नाम है हर घर तिरंगा अभियान, जो कि बीते कई सालों से हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जाता है। और आज इस बैठक को लेकर जो डिटेल्स हैं उस पर बात करेंगे, हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। तनु, अभी क्या डिटेल मिल पा रही है हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में, आज बीजेपी एक बैठक करने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर घर अब तिरंगा अभियान जो है वो चलाने वाली है और इसी अभियान को देखते हुए आज प्रदेश कार्यालय में करीब 11 बजे जो है एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो रखी गई है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत प्रदेश के संगठन के तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी जो है वो शामिल होंगे और इस बैठक में हर घर तिरंगा अभियान पर विस्तार से जो है वो चर्चा की जाएगी, क्योंकि भाजपा इस अभियान को भव्य रूप देने की जो है वो तैयारी कर रही है, क्योंकि 11 अगस्त से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का जो है वो आयोजन किया जाना है और इस अभियान के तहत हर बूथ लेवल पर इस अभियान को सफल कैसे बनाया जाए इस पर रणनीति आज की बैठक में जो है वो बनाई जाएगी। साथ ही 11 से 14 अगस्त तक हर घर में प्रभावी रूप से हर घर तिरंगा अभियान को पहुंचाने की कवायद जो है भाजपा कर रही है, ऐसे में
14 से 15, 14 अगस्त के बीच में जो है हर घर और व्यावसायिक केंद्र में बीजेपी जो है, बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है हर घर घर जाकर जो है लोगों को तिरंगा लगाने के लिए जो है प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी जो है वो किया जा रहा है ताकि राष्ट्र की अखंडता जो है वो बनी रहे। तो इसको लेकर लगातार भाजपा की कवायद जो है वो जारी। हाल ही में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने भी 2 दिवसीय वो दौरे पर रहे और 2 दिवसीय दौरे में भी लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिला और इस दौरान भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर खास चर्चा जो है वो की गई थी, जिसके बाद आज एक बार फिर एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इस लिहाज से ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण जो है वो मानी जा रही है। लगातार लोगों को हर घर तिरंगा अभियान को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, लोगों को हर घर में तिरंगा फहराने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, इसे भव्य रूप कैसे दिया जाए, इस अभियान का विस्तार कैसे किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर आज की इस बैठक में जो है वो चर्चा होनी है। जी स्वाभाविक है, अपने सर बनाए रखिएगा और बैठक के बारे में आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मध्य प्रदेश में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जहां मध्य प्रदेश के 21 ठिकानों पर यहां 1,30,00,000 रुपए नकद जब्त किए गए। आपको बता दें कि 3.5 करोड़ की एफडीआर जब्त की गई है, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति दस्तावेज जब्त किए गए, डिजिटल उपकरण भी यहां से जब्त किए गए हैं। एमपी में ईडी की बड़ी कार्रवाई और 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईडी ने किन ठिकानों पर यह छापेमारी की है, डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल 1,30,00,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं और 3.5 करोड़ रुपए की एफडीआर जब्त की गई है। दरअसल कई आपत्तिजनक और संपत्ति दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। और बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडर्स पर रेलवे प्रशासन ने 21 अनधिकृत वेंडर्स को पकड़ा है और जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई प्रशासन की, जिसमें 21 अनधिकृत वेंडर्स को पकड़ा गया है जिन पर जुर्माना लगाया गया है। इनके दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे और बिना दस्तावेजों के ये रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकान चला रहे हैं और ऐसे 21 अनधिकृत वेंडर्स को पकड़ा गया है। बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर अवैध यानी अनधिकृत तरीके से लगाई गई दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। उन दुकानों पर जो कि अवैध तरीके से, अनधिकृत तरीके से यहां पर संचालित हो रही हैं। और जबलपुर से एक अहम खबर आपको बता दें, शिक्षा विभाग में एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जिसमें फर्जी मार्कशीट पर नौकरी कर रही थी महिला। 29 साल तक यह महिला नौकरी करती रही। लोक शिक्षण आयुक्त को यह गुप्त शिकायत पहुंची और शिकायत की जांच करने पर खुलासा हुआ, जिला शिक्षा विभाग ने महिला को नौकरी से अब निकाल दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में आरोपी महिला की तलाश कर रही है। ये महिला फर्जी मार्कशीट के आधार पर 29 साल तक नौकरी करती रही और लोक शिक्षण आयुक्त को अब इसकी गुप्त शिकायत पहुंच गई है और इस पूरे मामले का जांच पड़ताल करने के बाद खुलासा हुआ, जिला शिक्षा विभाग ने महिला को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और पुलिस की अब कोशिश ये है कि महिला को जल्द से जल्द तलाश लिया जाए। चालक लोक शिक्षण विभाग में अनीसा बेगम नाम की महिला भृत्य के पद पर कार्य कर रही थी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक जांच प्रतिवेदन थाना बेलबाग में प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह पाया गया कि यह फर्जी अंकसूची के आधार पर इसने नियुक्ति पाई थी और यह बातें जिला शिक्षा अधिकारी ने सिद्ध पाया, जिस पर थाना प्रभारी बेलबाग के द्वारा इस महिला के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। ये संयुक्त संचालक कार्यालय में भृत्य के पद पर है, उसकी शिकायत हुई थी आयुक्त लोक शिक्षण को और आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जौलपुर जेडी को जांच कराने के लिए शिकायत आई थी। जौलपुर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के द्वारा इसकी जांच कटनी के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से कराई गई। और बढ़ते आगे, आपको बता दें वाराणसी में एक साथ 2 जर्जर मकान गिर गए और वाराणसी में हुए इस हादसे में राहत और बचाव कार्य जारी है। 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, घायल एक पुलिस कर्मचारी को भी निकाल लिया गया और सभी 3 लोगों को निकालने का काम अभी किया जा रहा है। और चौक थाना क्षेत्र के खोआ गली में ये 2 मकान धराशायी हो गए। आपको बता दें कि ये वाराणसी से पूरा मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 जर्जर मकान जो कि एक साथ ढह गए, राहत और बचाव कार्य यहां पर किया गया। 5 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाल लिया गया है और जिसमें
एक पुलिस कर्मचारी भी घायल हुआ बताया जा रहा है। पुलिस कर्मचारी को भी निकाल लिया गया और अभी तक तीन लोगों को निकालने का जो काम है वो चल रहा है। चौक थाना क्षेत्र के खुआ गली में दो मकान गिरे और इन दो मकानों के गिरने से दुर्घटना में घायल हुए लोगों को निकाला गया है और करीब तीन लोग अभी भी इसमें फंसे हुए ऐसा बताया जा रहा है। लगातार जानकारी जो मिल रही है उस पर डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। दिनों से ये मकान जर्जर थी, लगभग कम से कम 15 से 20 साल से ये जर्जर है और हम लोगों के ऊपर दो किरायेदार रहते थे। हम लोगों ने उनको उनसे काफ़ी दिन से मुकदमा चल रहा था और हम लोगों ने नगर निगम में भी नोटिस दे रखा था। काफ़ी दिनों से नगर निगम का चक्कर हम लोग काट रहे थे और जो वहाँ पर अधिकारी बैठे रहते हैं वहाँ पर अधिकारी बस पैसा मांग रहे हैं कि हमको पैसा मिलेगा तब हम साइन करेंगे, तब आदेश पास करेंगे कि ये मकान डिमोलिश किया जाए कि नहीं किया जाए। कितने लोग रहते थे इसमें अभी गिरा है, गिरने से पहले? जो बगल वाला सीके 28/7 मकान गिरा है सर, उसमें कम से कम 8 से 9 लोग रहते थे, उनके परिवार वाले पूरे मकान मालिक सहित। तो कितने लोग दबे होंगे लगभग? सर इधर अभी 6 से 7 लोग दबे थे जिनको NDRF वाले काफी हद तक निकाल लिया है बाहर। एक लोग का मृत का संभावना है और जो NDRF लोगों ने क्या नाम से पुष्टि कर दिया। कहते हैं श्रावण के अमावस्या का दिन तंत्र मंत्र करने वालों के लिए खास होता है और एक ऐसी खबर शिवपुरी शहर के लोगों को दहशत मिला रही है। दरअसल शिवपुरी के बैराड़ के मुक्ति धाम पहुंचे लोगों को दो महिलाओं के अंतिम संस्कार के बाद शमशान घाट से उसकी अस्थियां गायब मिली और मौके पर तंत्र क्रिया का वहां पर साक्ष्य मिला है और अब लोगों को यह डर सताने लगा है कि आखिर ये कौन है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अंधविश्वास का अंधेरा, अस्थियों को भी नहीं छोड़ा, अस्थियों से सिर पैर गायब, क्या ये तंत्र साधना के हैं उपाय? कोई उस रात को निशाचरी कहता है तो कोई कहता है काली रात। तंत्र मंत्र करने वालों के लिए वो रात है खास, जब चंद्रमा छिप जाता है तो शुरू होता है तंत्र मंत्र का खेल। घोर काली रात में तांत्रिक करते हैं तंत्र मंत्र विद्या पाने के उपाय। अंधविश्वास के अंधेरे में वो इस हद तक उतर जाते हैं कि अस्थियों को भी नहीं छोड़ते। एक ऐसी ही खबर लोगों को परेशान कर रही है जो शिवपुरी से आई है, जहां बैराड़ के मुक्ति धाम में पहुंचे लोगों को दो महिलाओं के अंतिम संस्कार के बाद श्मशान से उनकी अस्थियां गायब मिली। मौके पर तंत्र क्रिया वाली चीजें यानी कि मांस के टुकड़े, पुतला और नींबू जैसा काफी सामान मिला। कहते हैं सावन के महीने के दौरान अमावस की रात तांत्रिक शक्तियों की सिद्धि के लिए काफी खास होती है। वे तंत्र मंत्र की विद्या जानने के लिए कई उपाय करते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा बैराड़ मुक्ति धाम में देखने को मिला। दरअसल कस्बे में 2 दिन पहले 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मुक्ति धाम लाया गया। अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन जब परिजन 2 दिन बाद अस्थि संचय के लिए मुक्ति धाम पहुंचे तो दंग रह गए। उन्हें अस्थियों के पास तांत्रिक विद्या की पूजा करने का सामान मिला, साथ ही मृतकों की अस्थियों से सिर और पैर गायब मिले। मैं यहाँ पर उठाने के लिए आए थे बैराड़ में मुक्ति धाम पर, तो मुक्ति धाम में तांत्रिक द्वारा यहाँ पर देखा तो यहाँ की मतलब जो अर्थियाँ हैं वो गायब मिली है। हाँ, तांत्रिक द्वारा और जो देखा था नरियल है वहाँ पर, बतासी हैं, पुतली के पुतला से बनी हुई हैं, जो भी आटे के और जो भी सामान पूरा सामग्री मिली है तो यहाँ से सिर और पैर गायब है। शराब की बोतल, अंडे, सिगरेट की डिब्बी, मांस के टुकड़े, मिठाई, नमकीन,
नींबू, सिंदूर, महावर, काले उड़द, दही, मिट्टी के खपरे और आटे का पुतला। ये सारा सामान कह रहा है कि तंत्र मंत्र का खेल यहाँ पर खेला गया और मृतक के सिर पैर गायब कर दिए गए। मृतक महिला के परिजनों ने इस बात की खबर पुलिस और नगर परिषद को दी। श्मशान घाट के चौकीदार के बेटे ने बताया कि उसने रात करीब 11 से 12 बजे के बीच किसी महिला और एक पुरुष को देखा था जो मृत बॉडी के आसपास घूम रहे थे। दो चार लोग बता रहे थे कि दो लेडीज और दो जेंट्स आए रात को। दो चार लोग बता रहे थे कि दो लेडीज और दो जेंट्स आए रात को। जैसे ही तांत्रिक विद्या की खबर शिवपुरी के कोने कोने तक पहुंची, पूरा शहर अब दहशत में है। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल, न्यूज 18 के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में करंट की चपेट में आ जाने से हाथियों की मौत पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चिंता जताई। कोर्ट ने इस मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या ऐसी ही सब ऐसे खत्म हो जाएगा और क्या अगर ये वाइल्ड लाइन को नहीं बचाएंगे तो क्या काम करेंगे। हालांकि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोर्ट को यह बताया कि पिछले 3 साल में प्रदेश में 21 हाथियों की मौत करंट लगने की वजह से हुई, जबकि इस साल जून में सूरजपुर में एक हाथी बिजली के पोल से टकरा गया जिससे वो पोल झुक गया और दूसरे हाथी की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी। बात करेंगे हमारे सहयोगी उमेश मौर्य, हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। उमेश, कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं और जिस तरह से गजराजों की हालत हो रही है करंट लगने की वजह से, अभी इस पर लगाम लगाने के स्थानीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रदेश में 21 हाथियों की मौत हुई है और जो मौतें हुई है वो बिजली करंट से हुई है, तो कहीं ना कहीं मानव और जो वन्य प्राणी है इनके बीच अभी भी द्वंद जारी है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में हाई कोर्ट ने इसमें चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि जो कोर्ट ने मानव और जानवर कोर्ट दोनों जान की कीमत बताते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा जो जारी गाइडलाइंस है उसको सख्ती से पालन किया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है वो 3 अक्टूबर को होगी, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में देखा जा रहा है कि लगातार हाथियों के मौत के जो मामले आ रहे वो चिंता का विषय है। यही वजह है कि हाई कोर्ट इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से सुनवाई कर रहा है और ये चाहता है कोर्ट कि जिस तरीके से मानव और वन्य प्राणियों के बीच जो द्वंद हो रहा है उसको किसी तरीके से समाप्त किया जाए। इसको लेकर क्या कुछ राज्य सरकार कर रही है, क्या केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है, इसको लेकर चर्चा की गई। फिलहाल आगे भी ये सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे निकलता है, लेकिन ये जरूर है कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा और वहीं मानव जाति की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा निर्देश जारी किया है और तीखा तंज कसते हुए यह भी कहा है कि क्या सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा, अगर वाइल्ड लाइफ नहीं बचेगा तो क्या काम का है। इस तरीके का उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा है। फिलहाल देखना होगा कि 3 अक्टूबर को जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो क्या कुछ आगे निर्णय निकलता है। जी बिल्कुल, और चूंकि जिस तरह से टसल होती है और हाथियों की 21 हाथियों की मौत हुई है, ये एक चिंता का कारण है भी और देखना होगा कि स्थानीय स्तर पर क्या अब इसका हल निकल पाता है। आप नजर बनाए रखिएगा। उमेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और हाथी की बात चली तो बलरामपुर से हाथी ही की खबर आई, जहां एक हाथी ने दल से बिछड़कर जमकर उत्पात मचाया। चाकी गांव में एक घर को तोड़ डाला और घर में रखे अनाज को चट कर दिया। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। रामानुजगंज वन क्षेत्र में हाथी ने डेरा डाला हुआ है और चाकी गांव में एक घर को तोड़ दिया। सूरज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। सूरज, कब की ये घटना है और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अब तक? बीते कई दिनों से हाथी का जो बिछड़ा हुआ हाथी है रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में डेरा जमाया हुआ है और लगातार आतंक मचा रहा। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में दल से बिछड़े हाथी ने अब तक 5 घरों को तोड़ दी, घरों में रखे अनाज को चट कर दिया। ये जो एक घर को तोड़ा है वो बीती रात की घटना है, जहाँ के घर को तोड़ा है, घर में रखे अनाज को चट किया है। ग्रामीण काफी दहशत में, हाथी लगा
समाचार है, गांव के आसपास पहुंचकर घरों को तोड़ रहे हैं। हाथी के आने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग की टीम लगातार लोगों से अपील कर रहा है नजदीक ना जाए, हाथी को दूर करने का प्रयास जारी है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वन विभाग का प्रयास कहीं ना कहीं असफल है, हाथी लगातार आतंक मचा रहा है, हाथी के आतंक से लोग हमे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सूरज जानकारी देने के लिए। और भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीतने की राह पर है और आज सेमीफाइनल्स में भारत का मुकाबला जर्मनी से होना है और भारतीय समय के अनुसार आज रात 10:30 बजे से यह मुकाबला शुरू होगा। आपको बता दें कि इस हॉकी के मैच से बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं। ओलंपिक में जर्मनी से आज भारत का मुकाबला होगा और आज का मैच जीतने के साथ भारत का सिल्वर मेडल और फाइनल जीतने के बाद गोल्ड मेडल पक्का हो जाएगा और ये आज का मैच जीतने के साथ ही भारत ब्रॉन्ज में, माफ कीजिएगा, ब्रॉन्ज और उसके बाद फाइनल्स जीतने के बाद गोल्ड की हकदार होगी भारतीय हॉकी टीम और एक बड़ा मौका यहां बनता नजर आ रहा है और पूरे देश की प्रार्थनाएं भारतीय हॉकी टीम के साथ हैं और हॉकी के खिलाड़ी जो अपना दम पूरी तरह से दिखा रहे हैं और बड़े बड़े धुरंधरों को अब तक उन्होंने परास्त किया है, या इस बार गोल्ड भारत की झोली में आएगा हॉकी के माध्यम से।